हेलो एवरीवन, रूम से निकलते हैं और बोलेंगे यहाँ से सीधे जाएंगे म्यूजियम, वहाँ से जाएंगे जू। फुली सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है और बुद्धास के तीन चार मूर्तियाँ लगी हुई। इस म्यूजियम घूमने के बाद हम आ चुके हैं गाइस, चाय पी के चलते हैं जू की। आ चुके हैं जू के अंदर और अंदर लेते हैं टिकट और चलते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम बनारस आए हुए थे, तो चाचा के रूम पे ही रुके हैं क्योंकि वो भी साथ आए और हमने रूम बुक किया हुआ था, बट उन्होंने फोर्स किया बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं के रूम पे आना पड़ा और उन्हीं के रूम पे हैं आज। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने और रूम से निकलते हैं और बाहर जाके मेन रोड से ऑटो लेंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे म्यूज़ियम, वहाँ से जाएंगे जू और वहाँ पे जाके मिलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं यहाँ का म्यूज़ियम और जू कैसा है। तब तक के लिए बाय। तो गाइस, ऑटो मिल चुका है और हम निकल चुके हैं म्यूज़ियम की ओर। कहाँ बनी हो? पहुँच तो चुका है म्यूजियम पे, बट यहाँ पे आने पे यहाँ पे फोन जमा करना पड़ता है, तो फोन जमा करते हैं और दिखाते हैं आपको म्यूजियम। तो भाई, फ़ोन अब जमा करने का टाइम आ गया है, तो फ़ोन जमा करते हैं और जाते हैं म्यूज़ियम में अंदर। गाइस, यहाँ का सीन है कि यहाँ पे टिकट ऑफलाइन नहीं मिलता है, यहाँ पे ऑनलाइन खुद पेमेंट करना पड़ता है, इसके थ्रू इसका स्कैन करके और ख़ुद का टिकट का पेमेंट करो और फिर सिक्योरिटी दिखा के फिर अंदर एंट्री है। तो अब चलते हैं और फ़ोन जमा करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। भाई, अभी हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के बाहर। अब म्यूज़ियम में कुछ खास तो था नहीं, फुली सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है और बुद्धास के तीन चार मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बाकी कुछ है नहीं। हाँ, ये है कि बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस म्यूज़ियम घूमने के बाद हम आ चुके हैं सारनाथ मॉन्यूमेंट में। ये काफ़ी सुंदर जगह है घूमने लायक, दिखाते हैं आपको अच्छी तरीके से क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड है। गाइज, यही है सारनाथ का स्तंभ जो काफी बड़ा है। गाइज, ये स्तूप जो है ये बहुत लंबे एरिया में है और बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। बहुत अच्छी घास है यहाँ पे, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से जू की ओर। गाइज, आज तो लग रहा है रेनी डे हो जाएगा। जू का प्लान था यहाँ से निकलते ही, बट मेन गेट से एग्जिट हो रहे थे हम लोग, तब तक बारिश स्टार्ट हो गया और बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आज जू का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है गाइज। गाइज, फाइनली बारिश बंद हो चुकी है, तो चलते हैं जू की ओर, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। गाइस, चाय पी के चलते हैं जू की ओर। जू पहुँच भी गए हैं, अंदर जाना है बस, चाय पी के चलते हैं जू में और देखते हैं क्या क्या है। आ चुके हैं जू के अंदर और अंदर एंट्री करते ही एक बुद्ध मंदिर है और इसके बाद अंदर इसके और अंदर थोड़ा जाएंगे, उसमें जू है, तो चलिए चलते हैं, लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर। गाइस, बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई जू के अंदर।
फाइनली हम जू घूम लिए और जू में इतने ही जानवर थे जितने हमने आपको दिखाए। तो अब निकलते हैं घर की ओर और आज हम ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने भाई के चैनल एनएसआर ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।